हेलो एवरीबॉडी, टुडे आवर टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं जिंदे विच आपा कुछ थ्योरी की है, तो इस पार्ट विच आपा करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए है, चाहे मास्टर कैडर दे है जां लेक्चर कैडर दे 2016 तो 2021 तक, तो उन्दे विच जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड सम आए है आपा वो सोल्व करेंगे एंड नाल ही जिहड़ी थ्योरी अपनी रह गई है वो कंप्लीट करेंगे। देखो अपना रहिंदा सी बेसल्स इक्वेशन एंड फंक्शन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। देखो इस फॉर्म च जिहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्केयर डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई पॉन डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर वाई इज इक्वल टू जीरो, तो उन्होंने आप बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जिहड़ी एन है वो अपने को है पैरामीटर होंगी है, तो ये अपने को आ जाती है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, ये जो एन है ये इनका ऑर्डर हों, तो जो सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन का उन्होंने आप फंक्शन बोलते हैं। नैक्सट इन फंक्शन लिखा हुआ, देखो फंक्शन की होंगे उन्होंने आप अलैगजेंडर इक्वेशन भी की एंड फंक्शन किया, आप पी एन आर डिनोट करते इंटे आप जी है जे एन आर डिनोट करा, समेशन एस वेरी जीरो टू इनफिनिटी माइनस वन की पावर एस एस फैक्टोरियल एस प्लस एन फैक्टोरियल एक्स अपॉन टू टू एस प्लस एन, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद रखना। नैक्सट आ जाता ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बासल्स फंक्शन, आप ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अलैगजेंडर फंक्शन भी की है, उन्दे विच अपने कोल की आ जाता सी इत्थे आउंदा सी इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एम एक्स पी एन एक्स, जां इत्थे तुसी एम दी जगह ते एल भी लै सकदे हो, जदों एम नॉट इक्वल टू एन हुंदा सी तां अपने कोल जीरो आउंदा सी, इहदे विच भी सेम हेयर इत्थे जिहड़ी लिमिट है जीरो टू वन है, ये याद रखना, नाल एक्स आउंदा जी एन अल्फा एक्स जी एन बीटा एक्स, ते अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दैन की आ जाना जीरो, जे अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैन वन अपॉइंट टू जे एन प्लस वन अल्फा दी होल स्केयर, अल्फा बीटा जो है टू रूट्स है, जी एन एक्स जो अपने कोल बेसल फंक्शन है उहदे टू रूट्स है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप याद रखने हैं, देखो जे अपने को एन की जगह पर वन बाय टू आ जाता है दैन अपने को इतने आ जाता है स्केयर रूट टू अपॉन पाई एक्स साइन एक्स, जे इतने माइनस आ जाता है तो साइन का की हो जाता है कोज हो जाता है, थ्री अपॉन टू आ जाता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कोज एक्स नाल आ जाता है। कुछ रेकरेंस रिलेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये है भी अपना टाइम सेव करते हैं, जे आप याद रख लिए तो जो आप सम करने होंगे है ज़्यादा टाइम च वो आप डायरैक्ट ही एन की वैल्यू फिल करके सॉल्व कर सकते हैं। जे एन प्लस वन एक्स की होंगे टू एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन माइनस वन एक्स, जे इनका डेरीवेटिव करिए आप अपने को आ जाता वन अपॉन टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स, जे आप एक्स ना मल्टीप्लाई कर दिए तो इन्हों भी की आ जाएगा इतने आ जाएगा एक्स इतने अपने को आ जाएगा एन एंड जो एन प्लस वन है उत्थे की आ जाना जे एन एक्स, इनू ही आप सेम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जे आप एन प्लस वन लिखना तो आप इस तरह लिख सकते हैं, डेरीवेटिव आप इस तरह शो कर सकते हैं जे एन दोनों का कंबाइंड डेरीवेटिव तो एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, जे इतने माइनस आ जाता तो माइनस अगे आ जाएगा, जिते अपना एन माइनस वन आया उत्थे अपने को एन प्लस वन आ जाएगा। नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने को ऑर्थोगोनल ट्रैजैक्टरी, पहला देखो ऑर्थोगोनल ट्रैजैक्टरी होंगी की है, कोई भी आप कर्व्स दिती हैं आप उन्होंने ऑर्थोगोनल तो कहते हैं जी उन्होंने की है 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो हूँ जिमें अपने को कोई भी आ कर्व है आ कर्व आ रही है, ठीक है, आ एक लाइन है तो इतने ये भी कर्व है इतने की है 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है, दैन ये दोनों कर्व्स जिहड़ियां है वो की होणगियां ऑर्थोगोनल होएगा, तो जी ए एट पॉइंट ए ते इन्हां दी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होएगी। तो फैमिली ऑफ सर्कल कर्व आप इतने सर्कल लिया ना, तो सर्कल दे आपां इक्वेशन होंगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं जां आर स्केयर लिख सकते हैं। कर्व जो परपेंडिकुलर होंदियां उन्हां दा इंटरसैक्शन पॉइंट जिहड़ा हुंदा वो इत्थे अपने को 90 डिग्री का एंगल बनाउंदा, तां कर्व दा जिहड़ा परपेंडिकुलर पॉइंट हुंदा उहनूं आपां ऑर्थोगोनल ट्रैजैक्टरी बोलते हैं। हुण फैमिली ऑफ लाइनस दी क्वेश्चन आपां वाई इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं जां के एक्स, ये दोनों कॉन्सटेंट है कोई भी लै सकते हैं, तो इन्हां दोनों दा जो प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस वन दे इक्वल आउंदा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कर्व की हुंदा माइनस वन हुंदा। देखो जिवें हुण आपां कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लै ली है तो अपने कोल की है सिंपल कार्टीजन कोआर्डीनेट है,
तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने को इस फॉर्म दी होएगी, तो इनकी पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का जोड़ा सोल्यूशन किया दैन अपन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी लिखनी है, तो वह अपने को आ गई माइनस वन अपॉन एफ एक्स वाई, इतनू की है रिवर्स कर देना, नाल की ला देना माइनस ला देना। नैक्सट है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इतने आप एग्जाम्पल करा कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आप किमें फाइंड कर सकते हैं। अपने को एक पैराबोला दिता है वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, जो इक्वेशन है पहला उन्हें आप एक्स इधर ले आंदा, अपने कोंसटेंट आ गया, दैन अपने को अगला स्टैप आप डेरीवेटिव करना, डेरीवेटिव करने अपने को ए आ गया। जो आप ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है तो जो डेरीवेटिव है उन्होंने रिवर्स कर देना है, तो वन नाल की है माइनस वन ला देना, तो जो इनका रिवर्स आएगा वो अपने को आएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आपने को कार्टिजन कोआर्डीनेट की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गई है, दैन अपने को पोलर कोआर्डीनेट है, तो पोलर कोआर्डीनेट की होंगे अपने को आर थीटा, ठीक है। तो आप किमें फाइंड कर सकते हैं, जिम्मे हम अपने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ आर थीटा डी आर अपॉन डी थीटा होंगी है, तो आप ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी करनी है, आप की है आर मल्टीप्लाई कर देना आर डी थीटा अपॉन डी आर जोड़ा है रिप्लेस कर देना इन जगह पर वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, दैन आप सोल्व करा तो अपने को इक्वेशन बन जाएगी। तो जो डायरैक्ट आप ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फिल करनी है तो आर थीटा सेम इत रहेगा, डी आर अपॉन डी थीटा की जगह से क्या आ जाएगा माइनस आर स्केयर डी थीटा अपॉन डी आर। स्टम लेवल प्रॉब्लम की होंगी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस का पार्ट है। रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम अपने को इस फॉर्म च होंगी है, कोई भी इक्वेशन जी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म च अपने को आ जाती है, तो इतने आर एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स प्लस लैमडा पी एक्स वाई हों, तो उन्होंने आप बोलते हैं स्टर्म लेवल प्रॉब्लम। मेन आप जी बाउंड्री कंडीशनस है ये दितियाँ ये याद रखनी है, इतने अपने को है ए वन कॉन्सटेंट है बी वन कॉन्सटेंट है, पहला वाई ए फिर वाई ए डैश दैन वाई बी एंड वाई डैश बी। देखो ये इक्वेशन अपने को सम किमें आएंगे, इतने अपन कोई भी कॉन्सटेंट दते हो जिमें अपने को थ्री टू एवें कोई भी कॉन्सटेंट दते है, तो अपन पूछ लिया जाएगा कि इतने ए वन की है जब बी वन की है, अपने को इनकी बाउंड्री कंडीशन पूछी जाएगी कि इनकी बाउंड्री कंडीशन कि है। मेन सम सिर्फ इन्ने की बन सकती है इन्हें रिलेटिड, क्योंकि इन्हें जो एक सम हों सॉल्व करना वो बहुत ही लेंथी हों जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हों। नैक्सट ग्रीन फंक्शन, ये भी स्टर्म लेवल प्रॉब्लम का ही पार्ट है, बट अपने सिलेबस तो अलग तो मैनशन किया, जिमें हम ग्रीन फंक्शन आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं वाई टू एक्स डैश पी एक्स डैश वाई एक्स डैश वाई वन एक्स, एक्स वेरीज करता ए टू एक्स डैश तक, ठीक है। तो इतने एक्स वेरी करता एक्स डैश तो लैके बी तक, तो उतने अपने को इक्वेशन ए आएगी, ये डिसकंटीन्यूड होएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश डे, जो वाई वन एक्स है वाई टू एक्स है ये दोनों की है इनडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे होमोजीनियस, जी अपने को डिफरेंशियल पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उन्हें की है सोल्यूशन होंगे। तो ई सैटिस्फाइड बाउंड्री कंडीशन, जो भी बाउंड्री कंडीशन दिती एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज बी, इन्हों सैटिस्फाई करेंगे। आप किमें लिख सकते हैं जो रॉक्सन है इस मैथड ने आप सॉल्व करना, तो रॉक्सन की होंगे वाई वन एक्स डैश माइनस वाई टू एक्स डैश, आप रॉक्सन इस तरह सॉल्व करते हैं ना, मान लो इतने अपने को होंगे वाई हों, ठीक है वाई वन हों, इतने अपने को वाई टू हों, नीचे उन्होंने आप ले लें डेरीवेटिव ले लें, क्लीयर है, इनू आप सॉल्व कर देने इस ढंग न, तो मल्टीप्लाई करते अपने को आ गया ये जी कंडीशन आ जाएगी। इंडिया मेन प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ की है सैटिस्फाई होमोजेनियस इक्वेशन सैटिस्फाई करता है जो ग्रीन फंक्शन होंगे, तो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश न छड के, क्योंकि इस पर आके डिसकंटीन्यूस हो जाता है, फिर यह होंगे समीट्रिकल होंगे एक्स डैश से एक्स डैश से, सैटिस्फाई होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन जो होंगे होमोजेनियस उन्होंने सैटिस्फाई करता है, जिमें आप स्टम लेवल प्रॉब्लम बाउंड्री कंडीशन पढ़िया तो उन्होंने सैटिस्फाई करेगा कंटीन्यूस होंगे, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश से एंड हैज़ डिसकंटीन्यूटी उत्थे होंगी है जो वन अपॉन पी एक्स डैश दिता तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश दिता हों। नैक्सट अपने को पावर सीरीज़, पावर सीरीज़ की होंगी है कि जिमें हम अपने कोई भी एक सीरीज़ दे दी जाती है एन वेरीज वन टू इनफिनिटी अप टू सो ऑन ए एन एक्स माइनस एक्स डैश, तो इन आप बोलते हैं पावर सीरीज़, इनकी पावर दिती हुई है ना, तो इनू आप एक्सपेंड कर सकते हैं, हम अपने को है ई एन वेरीज करता है, ठीक है ई एन वेरीज करता एन वेरी वन टू इनफिनिटी, तो पहला आप वन फिल करा ए एन की जो जगह पर,
इसी तरह आप एक्सपेंड करके इन्हें लिख सकते हैं अप टू सो ऑन। नेक्स्ट अपने को आ जाएगा ए थ्री एक्स माइनस एक्स नॉट द पावर थ्री, तो यह इनकी एक्सपेंशन होगी। इनू आप कन्वर्जेंस ता करांगे जो कोई ये वैल्यू जी है एक्स ही एग्जिस्ट करेगी, जिमें हूँ आप सॉल्व करांगे तो अपने को जो एक्स की वैल्यू है वो कोई ना कोई फाइनेट वैल्यू आएगी, दैन आप कहे भी ये कन्वर्ज करती है। तो जे अपने कोई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट फाइनेट वैल्यू नहीं आती तो आप कहे भी ये कन्वर्ज नहीं करती। देखो हम इंपॉर्टेंट मेन ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लई आपां की है रेशो टेस्ट लावांगे। इन दो टेस्ट होंगे है आप कोशी थ्योरम मेन इंपॉर्टेंट है। कोशी थ्योरम आपां की कहती है कि आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू ए एन पावर वन अपॉन एन। लिमिट इतने अपने को अप्रोच करती है एन अप्रोचेस टू, तो इनू आप इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू की होंगे वन अपॉन आर। आर की अपने को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो यह आप फार्मूला यूज करके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। आप देखना है कि जो पावर दिती है दैन आप चीज़ लावेंगे, तो जे अपने को पावर नहीं दिती तो आप रेशो टेस्ट लावेंगे। देखो हूँ इतने आप किवें सॉल्व करना, अपने को इक्वेशन दिती हुई है पहले आप ए एन प्लस वन फाइंड किया, इनू आप ए एन लै लेना है सारी टर्म नू, तो इन्हें एन प्लस वन टू एन की जगह पर आप एन प्लस वन फिल किया तो टू एन प्लस थ्री आ गया, इतने भी एन प्लस वन फिल किया तो एन प्लस वन फैक्टोरियल आ गया। फिर नीचे आप डिवाइड करना ए एन नाल, ठीक है, तो ए जिहड़ा रिवर्स होकर उपर चलिया गया, ठीक है, तो जो कैंसल हुंदा वो आप कैंसल कर देना, अपने को इज इक्वल टू की आ जाता जीरो जीरो एन इनफिनिटी वाल अप्रोच करता। तो सीरीज़ की है कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वास्ते कन्वर्ज करूगी, एक्स की कोई भी वैल्यू आ जाऊगी, बट इतने इनफिनिटी एन अप्रोचेस करता इनफिनिटी वाल, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने को आ जाएगा इनफिनिटी बिकॉज इतने अपने को आएगा वन अपॉन आर आएगा, तो आर अपने को है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जीरो अपने को आई है ना, ठीक है, तो इनू आप रिवर्स करेंगे तो आप कल आर फाइंड करनी है वन अपॉन आर इज इक्वल टू अपने को जीरो आ गया, आर फाइंड करोगे तो क्या आएगा वन अपॉन जीरो, तो यह अपने को होंगी है इनफिनिटी। इन्हें ना रिलेटेड एग्जाम आप होर करेंगे। देखो अपने को इक्वेशन है, अपने को इक्वेशन दिती हुई है एन प्लस टू एन ओटा की पावर एन नाल दिता है जैड एन, तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना, अपने को एन आ जाएगी इन्हें विचों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन अपॉर आर। देखो हूँ इतने अपने को पावर दिती सी ना एन, तो आप आ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ए एन की पावर वन अपॉन एन, तो ए एन की वैल्यू फिल करती है एन नाल एन कैंसल हो जाएगा, तो एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी तो इतने अपने को आ जाएगी इनफिनिटी वन अपॉन आर इज इक्वल टू अपने को आ जाएगा इनफिनिटी आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू की आ जाएगा जीरो आ जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने को बन गया जीरो। जे तुसी सेंटर देखना है तो सेंटर इतने आप फाइंड कर सकते हैं जिमें जैड माइनस जीरो दिता, जे आप इनू जैड माइनस जीरो की पावर एन लिख लीए तो जैड की पावर एन ही बनेगा ना, तो वो जिहड़ा जीरो है वह अपने को आएगा सेंटर। नैक्सट डिफरेंशियल इक्वेशन नाल रिलेटेड है, जिवें हुण अपने कोल दो फंक्शन दिते जांदे आ, एक कोस ए एक्स दिता हुंदा है, तो आप की करना है कि जो अपने कोल डी आ उहदी जगह पर आप डी स्केयर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्केयर फिल कर देना, तो अपने कोल ए फॉर्म च इक्वेशन बन जाएगी। जे हुण अपने कोल एक्स नाल दिता है तो जो वन अपॉन एफ डी है उपर जाके इनवर्स बन जाएगा, जे ई एक्स है तो ई एक्स अगे आ जाएगा, जो सैकेंड फंक्शन है वो नाल आ जाएगा, तो डी प्लस ए हो जाएगा डी की जगह पर। जे टू फंक्शन एक्स वी है तो एक्स अगे आ जाएगा, पहला वी नाल आप इंटीग्रेशन कर देंगे, दैन डेरीवेटिव ऑफ वन अपॉन एफ डी वी आ जाएगा। जे वन अपॉन डी है मतलब डेरीवेटिव का रिवर्स है, तो एंटी डेरीवेटिव की होंगे इंटीग्रेशन होंगे, इनू इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। जे वन अपॉन डी माइनस ए है तो इतने आप लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, तो इन कोई भी आरबिट्री कॉन्सटेंट ऐड नहीं करना क्योंकि आप इंटीग्रेशन मेनली ऐड करते हैं, बट जी ये फार्मूले होंगे इन्होंने कोई भी कॉन्सटेंट ऐड नहीं होंगे। इन रिलेटेड आप सम करेंगे तो ज़्यादा क्लीयर होएगा। देखो अपने को फस्ट सम है पर्टिकुलर इंट्रैगल ऑफ दिस वन, आप इनका पर्टिकुलर इंट्रैगल फाइंड करना जो इक्वेशन दिती है, तो आप करना इनू वन अपॉन लिख लेना, तो अपने को आएगा वन अपॉन डी स्केयर माइनस फोर डी प्लस फोर नाल अपने को दिता ई दी पावर टू एक्स
ई की पावर 2x दिता है, जिथे डी है आप उत्थे की फिल कर देना, 2 फिल कर देना। अपने को फस्ट फार्मूला यही सी ना, जिथे ई की पावर ax आ जाए तो आप डी की जगह पर ए फिल कर देनी है, तो डी की जगह पर 2 फिल कर दो तो अपने को आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 4 ई की पावर 2x। इनू सॉल्व करोगे तो नीचे की आ जाएगा 0 हो जाएगा, इट मीनस ये अपने को हो गया फेल हो गया। आप फिर इन नीचे वाला डेरीवेटिव करा सैकेंड स्टैप, तो वह की आएगा 1/2d माइनस 4। क्लीयर है? फिर आप करा 2xd की जगह पर फिर आप 2 फिल कर देंगे, दैन ये अपने को सैकेंड टाइम देखो जो आप फस्ट टाइम डेरीवेटिव करना इतने नाल एक्स लाना उपर, हूँ फिर आप 2 फिल करेंगे तो इतने नीचे 0 बनता, तो आप फिर डेरीवेटिव करा एक एक्स होर ला देंगे, अपने को आ जाएगा एक्स स्केयर अपॉन 2 ई की पावर 2x। क्लीयर है? ये अपने को ऑप्शन जी करैक्ट बन जाएगी। जिन्ने टाइम फेल होएगा उन्ने टाइम आप नैक्सट डेरीवेटिव सॉल्व करना, एक एक्स नाल मल्टीप्लाई कर देना। इनका भी आप पर्टिकुलर इंटरैगल फाइंड करना, पहला आप इन सिंपल फॉर्म से लिखांगे, अपने को दिता हो डी स्केयर प्लस ए स्केयर वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स, तो इनू आप 1/d स्केयर प्लस ए स्केयर नाल की लिखांगे साइन ऑफ ए एक्स। जो साइन या कोज दिता हों तो डी स्केयर की जगह पर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो अपने को है ए, तो माइनस ऑफ ए स्केयर आ जाएगा। इन फिल करोगे तो फेल हो जाएगा, इट मीनस आप एक एक्स ला देना, तो नाल ही कर देना डेरीवेटिव, डेरीवेटिव करोगे की आ जाएगा 2d। हुण एक्स अपॉन 2 एज इट रहन दो, 1/d की है इनका आप इंटीग्रेशन कर देना, एंटी डेरीवेटिव है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो अपने को आ जाएगा कोस ए एक्स अपॉन की आएगा ए, साइन का डेरीवेट इंटीग्रेशन माइनस होंगे तो इतने आंसर की आ जाएगा माइनस आ जाएगा। नैक्सट अपने को लैक्चर कैडर 2016 के सम फस्ट सम सी का ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द ऑर्डर से डिग्री देखनी है, तो मैं प्रीवियस वीडियो कराया से जो आ रेडिकल साइन हो पहला इनू खत्म करना है, ठीक है। तो अपने को इतने देखो अपने को ऑर्डर की है 2 दिता है, ठीक है, तो ये उधर चलिया जाएगा जे आप डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इधर रख लीए, तो ये जी टर्म है ये माइनस होके उधर चली जाएगी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, तो जो स्केयर रूट है उनका की बन जाएगा 1/2, ये जो 1/2 है इधर आके इनकी स्केयर बन जाएगा, ठीक है, अपने को आ टर्म बन जाएगी, तो इधर अपने को सिंपल रह जाएगा एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब रह जाएगी। हुण इत्थे देखो हाईएस्ट ऑर्डर की है 2 है, तो 2 की जिहड़ी पावर है तो वह अपने को हुंदी है डिग्री है, डिग्री भी की अपने को 2 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट सी। नैक्सट है इंटीग्रेट फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका इंटीग्रेट फैक्टर फाइंड करना से जस्ट इंटीग्रेट फैक्टर लिए अपने को जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इनका जो कोफिशियंट है यूनिटी होना चाहिए है, मतलब 1 होना चाहिए, तो जो 1 प्लस एक्स स्केयर है उन्होंने आप इधर नीचे डिवाइड कर देंगे, अपने को इक्वेशन जो है वो इस ढंग इस आप डिवाइड करा इस ढंग की इक्वेशन बन गई है। तो इंटीग्रेट फैक्टर की है जो वाई का कोफिशियंट है उन्होंने आप ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स लिखते हैं, डी एक्स तो पी की जगह पर अपने को 1/x स्केयर, तो इनका इंटीग्रेशन करोगे तो की आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट है पर्टिकुलर इंटरैगल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका भी आप पर्टिकुलर इंटरैगल फाइंड करना, तो इन्हें की है पहला आप इक्वेशन लिख लें, तो वह अपने को दी हुई है ई की पावर माइनस एक्स, नीचे अपने को आ गया डी स्केयर प्लस डी प्लस 1, इतने जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना उन्होंने आप लिख लिया सिंपल डी लिख लिया, हूँ आप डी की जगह पर जो अपने को ई की पावर ए एक्स होंगी है तो की फिल करते हैं ए फिल करते हैं, इतने अपने को माइनस 1 है, डी की जगह पर आप माइनस 1 फिल कर देना, तो अपने को आएगा 1/ माइनस 1 की स्केयर प्लस माइनस 1 प्लस 1 तो ई की पावर माइनस एक्स। इनू सॉल्व करा तो अपने को जी इक्वेशन बनेगी ए जड़ा है करैक्ट आंसर बन जाएगा। नैक्सट है अपने को अपने को रूट्स दिए हुए हैं, तो आप देखना भी ये किनू सैटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन काट सकते हैं, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन काट लिया तो अंदर की रह गया डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, इतों तुम रूट फाइंड करोगे एक तो अपने को आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक अपने को आएगा
जी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर जो है वो अपने को की आ जाएगा माइनस ऑफ वन। तो इनू आप जो स्केयर है उधर जाके स्केयर रूट बनेगा तो की बन जाएगा एओटा बन जाएगा, वन नहीं ना बनेगा। इट मीनस ए ऑप्शन नहीं हो सकते। वी नू सॉल्व करोगे तो इन भी एओटा बनाएगा, ये भी नहीं करैक्ट होएगी। जो सी ऑप्शन है ये थोड़े रूट्स बनाएगी जीरो माइनस वन एंड वन, इनू भी आप इवें सॉल्व कर लेना। पहला डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन करना गे तो वो अपने को इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सैकेंड अपने को बचेगा टी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इन आप फैक्टर बना देंगे तो जो डी दी वैल्यू आ की आ जाएगी माइनस वन टू टाइम्स वैल्यू आ जाएगी। नैक्सट मास्टर कैडर 2017 पैंती बयासी जो एग्जाम होया सी। तो फस्ट सैमसी का इक्वेशन वाई इज इक टू पी एक्स प्लस एफ पी इज नाउन एज। तो इक्वेशन की है क्लैरिट इक्वेशन होंगी आप इस फॉर्म से दिती, कई बार ये पी की जगह सी दिता हों तो सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट सी। नैक्सट है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रजैक्टरी। देखो आज उस हम तुम्हें कराया डायरैक्ट ही अपन पूछा कि इनकी ऑर्थोगोनल ट्रजैक्टरी की आएगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट है। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह से की आ जाएगा रिवर्स होकर नाल माइनस आ जाएगा। नैक्सट अपने को पर्टिकुलर इंटरैगल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका भी पर्टिकुलर इंटरैगल सेम करना है जिमें आप ई की पावर एक्स का करते हैं। देखो 16 च भी यही आया तो अपने को 17 च भी यही सम अपने को आए है, तो आप करना है डी की वैल्यू की बननी है माइनस ऑफ 3। तो डी की वैल्यू माइनस 3 फिल कर दो तो इतने कि अपने को आ जाएगा 9 12 प्लस 3। तो देखो ये 12 बनाएगा तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो आ जाएगी ना नीचे, फिर आप करेंगे एक एक्स ला देंगे। एक्स लाने तो बाद आप फिर इन डी की वैल्यू माइनस 3 फिल कर देंगे, नीचे डेरीवेटिव करेंगे ना 2d प्लस 4 तो नाल क्या आ जाएगा ए की पावर माइनस 3x। डी की वैल्यू माइनस 3 फिल करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2 आ जाएगा। क्लीयर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगी। जी एन एक्स इज बसल्स फंक्शन ऑफ फस्ट काइंड। दैन उन्होंने अपन ये पूछा कि किंदे इक्वल हुंदा, ये आप डायरैक्ट फार्मूला किया इज इक्वल टू अपने को आ जाता है जीरो, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट है। इन इन देखो एन पूछी अपने को, एन आप भी किए हुए हैं कि जो अपने को रजेंडरस अपने को रिजल्ट दिते से वह आप लर्न ही करने से अपने को पी एन एक्स की वैल्यू उन एन की जगह से केंद्र जे आप केड़ी वैल्यू लईए कि अपने को 2 बन जाए, ठीक है। तो आप पहले एन की जगह पर जीरो फिल करके देखते हैं, जीरो फिल की आपको पता है पी जीरो एक्स इक्वल टू की होंगे 1 दे 1 डी एक्स आ गया। तो इनका डेरीवेटिव करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स आ जाएगा। तो डेफिनेट लिमिट्स की है 1 to 1 इन फिल करोगे तो अपने को 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू की बनता है 2। इट मीनस जो एन की वैल्यू अपने को दिती है जीरो, तो एन की वैल्यू अपने को आ जाएगी जीरो। ए ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगी। द रैक्शन ऑफ टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन आप पहले सोल्यूशन करेंगे तो इन आप लिख सकते हैं डी स्केयर माइनस 1 वाई, ठीक है, इक्वल टू अपने को दिता है 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो पहला आप इन सोल्यूशन फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू अपने को आ जाएगी इन सॉल्व करते माइनस 1 एंड 1 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप इन इस तरह लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ई की पावर, पहला जोड़ा रूट्स है वो अपने को आया 1 आया, तो रूट्स में आप इस फॉर्म से लिख लिया ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये अपने को बन गया वाई वन एंड वाई टू। रॉक्सन आप फाइंड करते हैं, रॉक्सन इज इक्वल टू ई की पावर वाई वन, वो अपने को ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स। फिर वाई वन का डैश मतलब वाई का जो अपने को डेरीवेटिव है वाई वन का वो अपने को आ जाएगा माइनस एक्स, फिर वाई टू का डेरीवेटिव आ जाएगा ई की पावर एक्स। इनू आप सॉल्व करेंगे तो अपने को आ जाएगा ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर जीरो आएगा तो इक्वल टू की आएगा 2। तो ऑप्शन जी है अपने को इतने देखो माइनस है ना, ठीक है, तो माइनस अपने को। नैक्सट अपने को 2021 3704 जो होया एग्जाम उनके डिफरेंशियल इक्वेशन के सम आए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रजैक्टरी, इन्हें देखो डायरैक्ट ही ऑर्थोगोनल ट्रजैक्टरी बारे पूछा आया, तो वह आप प्रीवियस भी किया अपने को यही सम रिपीट होकर आया, तो उनका ऑप्शन की आ जाएगा डी बिल्कुल करैक्ट है। फिर पर्टिकुलर इंटरैगल ऑफ ई की पावर एक्स नाल आप सॉल्व करना, पिछले भी आप लेटर सम सॉल्व किए, इन आप लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्केयर प्लस 3 डी प्लस 2
ई की पावर क्या गया 2x। जो तू पार्टिकुलर इंटरैगल पूछा उदो आप एवें सोल्व करना है, डी की वैल्यू अपने को है 2 है, इतने 2 फिल कर दो कि आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 2 ई की पावर 2x। ठीक है, इनू आप सोल्व कर देंगे। इतने अपने को स्टेटमेंट थोड़ी जी प्रॉब्लम है, इतने देखो जो प्लस दिता इन जगह पर माइनस होना चाहिए सी, तो स्टेटमेंट जो इतने माइनस हों अपने को इतने अप जो प्लस है प्लस की जगह पर अपने को है जो माइनस हों सम सोल्व होना सी, एक क्वेश्चन पेपर से मिसटेक सी, इतने की आ गया माइनस, तो जो इनू सोल्व करोगे तो यह कैंसल हो जाएगा फेल हो जाएगा। दैन आप करते हैं डेरीवेटिव करा तो यह आ जाएगा ई की पावर 2x, नीचे अपने को आ जाएगा 2d माइनस 3। ठीक है, तो इन्हें फिर आप फिल करा 2 फिल करा तो अपने को बनेगा इतने 4, तो नाल आप जो डेरीवेटिव करते इतने x लावे तो 4 माइनस 3 तो अपने को आ जाएगा एक्स ई की पावर 2x जी है, ऑप्शन करैक्ट आ जाएगी बी ऑप्शन। क्लीयर, नैक्सट है द सल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का आप सल्यूशन करना सी, सल्यूशन सिंपल आप करना है किवें है, देखो आप लिख सकते हैं डी स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इनू आप पहला एक्सैलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दें, इन्हें चो आप सोल्व किया तो डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, तो अपने को 2 वैल्यूज़ आनगियां 2 योटा वाली। ठीक है, योटा वाली वैल्यू आएगी, एक नैगेटिव आएगी तो एक अपने को आएगी पॉजिटिव आएगी, तो इनू आप इस फॉर्म से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू कोस 2x प्लस b1 साइन 2x। नैक्सट है pnx डिनोट्स अलेक्जेंडर पॉलीनोमियल ऑफ ऑर्डर n, तो अलेक्जेंडर इक्वेशन दैन आप सोल्व करना। देखो इन 3 तो 4 है, तो आप पहला देखते हैं ना m नॉट इक्वल टू n, दैन अपने को आ जाता सी 0, 3 नॉट इक्वल टू 4 है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट है, इक्वल टू की आना सी 0। नैक्सट है नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्सटेंट इन सिंगलर सल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ डिग्री n। देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्सटेंट इन सिंगलर सल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री n, जदों भी n डिग्री की कोई भी इक्वेशन होंगी है तो दस्या भी सिंगलर सल्यूशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोसैस नहीं करता, उन्हें जो सिंगलर सल्यूशन नहीं आता। दैन आप सिर्फ कन्फ्यूज़ करने लिए पूछा है भी आर्बिट्री कॉन्सटेंट सिंगलर सल्यूशन किन्ने हो गए, तो वो अपने को आएगा 0। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपने को एक क्लैरिट फॉर्म दी सी, आप सिंपली वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्केयर आना सी।